पीएम मोदी की साधना पर सियासी घमासान तेज हो गया है। विपक्ष के विरोध पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिनकी आस्था वोटिकन और विदेश में है वो अध्यात्म को समझ नहीं सकते। 2024 का चुनाव धर्म युद्ध की तरह है, एक ओर धर्म बचाने वाले लोग और दूसरी ओर हैं धर्म का विनाश करने वाले लोग। उन्होंने कहा कि असुरी शक्तियों को खत्म करने के लिए आध्यात्मिक शक्ति जरूरी है। ये जो 2024 का चुनाव है ये एक धर्म युद्ध की तरह है। इसमें एक तरफ वो लोग हैं जो धर्म के साथ खड़े हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो धर्म को मिटाना चाहते हैं। आसुरी शक्तियों से लड़ने के लिए, आसुरी शक्तियों का विनाश करने के लिए एक आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत होती है। पहले भी प्राचीन काल में जब सुर असुर संग्राम हुआ, देवासुर संग्राम हुआ, जब आसुरी शक्तियां बहुत बढ़ जाती थी तो उनके विनाश के लिए ऋषि मुनि महात्मा साधना करते थे, जप तप और साधन करते थे। तो मुझे लगता है कि एक आध्यात्मिक ऊर्जा को अर्जित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी इस समय स्वामी विवेकानंद की शरण में गए। ये आध्यात्मिक चेतना का विषय है, ये आस्था का विषय है। अब ये बात उनकी समझ में नहीं आएगी जिनकी आस्था वेटिकन में है, जिनकी आस्था विदेशों में है, इसीलिए ये मोदी का विरोध कर रहे हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर में भगवान गोरक्षनाथ की पूजा अर्चना की और नाथ संप्रदाय के गुरुओं की समाधि पर माथा टेका। इसके बाद में सीएम योगी ने मंदिर परिसर में कई देवी देवताओं की पूजा की। इसके बाद में सीएम योगी ने गौशाला जाकर गो सेवा की। उन्होंने गौशाला में जाकर गायों को रोटी और साथी गुड़ खिलाया। रास्ते में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बच्चों और दूसरे लोगों से मुलाकात भी की। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, लोगों से मुलाकात की, बच्चों को दुलार करते हुए मुख्यमंत्री की तस्वीरें। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को आज सजा सुनाई जाएगी। डूंगरपुर बस्ती खाली कराने के मामले में रामपुर एमपीएमएलए सेशन कोर्ट ने कल आजम खान को दोषी करार दिया था। आजम खान पर डूंगरपुर बस्ती जबरन खाली कराने, मारपीट, तोड़फोड़, लूटपाट और साथ ही धमकी देने का भी आरोप है। तो पूरा मामला है, जब बस्ती खाली कराने के लिए लूटपाट और धमकाने का आरोप आजम खान पर लगा था। 2016 का ये मामला है और 2019 में मामला दर्ज हुआ था, जिसके बाद में एमपीएमएलए कोर्ट ने कल दोषी माना था आजम खान को और आज सजा सुनाई जाएगी। तो आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इससे पहले उनको दो सर्टिफिकेट मामले में जमानत मिली, लेकिन उसके बाद में अब एक मामले में और उनको दोषी पाया गया है, जिसको लेकर आज सजा सुनाई जाएगी।